भाइयों, गोबर की खाद बड़ी मुश्किल से मिलती है, पत्ते को जलाना नहीं चाहिए। मेरे विचार से हमने हिसाब लगाया है, जिस खेत की हमने पत्ती जला दी थी उसमें गन्ना अगले साल हल्का हुआ, जिस खेत में पत्ती जुताई करी उसमें गन्ना बढ़िया हुआ। अब हम दो तीन साल से पत्ती जुताई कर रहे हैं, अगर आपके पास मल्चर नहीं है तो रूटावेटर से कर लीजिए। हालांकि सरकार ने ब्लॉक वाइज रूटावेटर दे रखे हैं, हर गांव में दो रूटावेटर हैं, हमारे गांव में भी हैं, लेकिन समय पर नहीं मिलने के कारण हम तो अपने रूटावेटर से कर लेते हैं काम। पता नहीं किसके यहाँ पड़ा है, कोई पता नहीं चल पाता रूटावेटर का गाँव में। ब्लॉक में नून जाते हैं, वहाँ जावें 6 किलोमीटर फिर लेना में, फिर तो काम करके फिर पहुँचान जावें। तो भाइयों ये भी खड़ा ही है, हमने तो अपने रूटावेटर से ही काम शुरू कर दिया। इसका पहिया खोल कर रख दे, देखो वो खुला रखा, क्योंकि पहिए में पत्ती अड़सती है। हमारे ब्लेड घस रहे आधे, तो पैने हो रहे, बहुत बहुत बढ़िया काम करती है। कुछ पत्ती काटती है, कुछ मिट्टी में धंसता है रूटावेटर, तो डबल काम हो जाए, मिट्टी में गला रलता चला जाए। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि पत्ती को जलाए ना बिल्कुल भी, इसका लाभ बहुत है। हम कई साल से जुताई कर रहे हैं भाइयों, पेडी क्या करना, अटल टप होता है, कूड़िया खाद मोल लेना नहीं पड़ता, नहीं 20-100 हज़ार का को खाद मोल लेना पड़ता था, बहुत महंगा पड़ता था, प्योर खाद नहीं मिलता किसी के पास, सब अढ़ावा रखते हैं उसमें। देखो 6 भाग देनी पड़ती है, हम वैसे भी तो जुताई करते हैं 4 बार रूटावेटर घुमाते हैं, 4 बार में तो एक बिल्कुल भुरता बन जा, फिर जो मेड़ी मार दो, 8 दिन पड़ा रहने दो, फिर उसके बाद में जब जुताई करेंगे रूटावेटर से तो भाई ये बिल्कुल चाय ख़त्म हो जाए, मट्टी में कल जाओ। अब देखो परे नहीं चमक रही, पत्ती यहीं चमक रही है, अब दुबई में मंड गया बबलू, देखना 4 बार भाव में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फिर हम पीछे पड़ा रहने देंगे, फिर इधर जुताई करेंगे, फिर यहाँ से 2-3 दिन पड़ा रह गए, फिर सारे खेत के लंबे ढे हम जुताई करेंगे, अरे डब और बस बखेर के हूँ बो के छुट्टी। मैसी 10-35 जा रहा है भाई, ये गन्ने भरने जा रहा है किसान का, ये सोनाली का 60 आ लिया, देखो इन्हें पूड़े भरा के पुराल के। इधर मस्ती चल रहा है खेत में, भाई वो ट्रैक्टर बिल्कुल लोड फिर ही चलता है। अब 2-4 लीटर तेल ही फालतू खा लगा था, कोई बात नहीं भाई, वो खाद भी तो फ्री का मिल रहा है, हम अपने खाद को खत्म कर देते हैं भाई। इसमें एक नुकसान और है, ये अब किसान की पत्ती नहीं फूकती, वर्षी पेटी है 2 साल, जब पहले पत्ती की हमने छोटी इसमें गली रही वो भी फूक जाती है, उसके साथ में मट्टी के ऊपर की सतह उसमें भी आँच लगती है, जो फसल के लिए, आने वाली फसल के लिए नुकसानदायक होती है। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर नहीं है और वो ट्रैक्टर लेने का मन बना रहे हैं, तो भाइयों ट्रैक्टर जो है 30-35 HP का ना लें। अगर आपका बजट 3-4 लाख का है तो नए का मन नहीं है आपका, तो सेकंड हैंड ले सकते हैं, 14-15 मॉडल अच्छी कंडीशन मिल जाते हैं, पर भाड़े का पिटा हुआ ना हो ये देख लें आप, 2-4 हज़ार घंटे चले हुए ट्रैक्टर का कुछ नहीं बिगड़ता भाइयों। कोशिश तो करें 50 HP का, 50 HP का ट्रैक्टर लोड फ्री चलता है भाइयों, वो कम मेंटेनेंस होता है उसमें। और अगर आपने 30-35 HP का ट्रैक्टर ले लिया, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी कंपनी का ले लीजिए,
तो वो सारे काम नहीं कर पाएगा। अगर करोगे तो उस पर लोड पड़ेगा 30-35 HP का, तो गोबर की बुग्गी तक ही सीमित है भाइयों। 40-42 HP भी थोड़ा दबता है लेकिन काम कर जाता है वो। मेरी राय में तो 50 HP से कम का ना लें आप। लोड फ्री चलता है, जीरो मेंटेनेंस। आप बुढ़े हो जाएंगे लेकिन ट्रैक्टर में बिगाड़ सुधार नहीं आने का, अगर आप हाथ थाम के चलाओगे, मतलब ढंग से चलाओगे। भाइयों हमने एक सिलेंडर रखा था तो उसमें हर साल हर तीसरी साल इंजन बनता था, वो बड़े ट्रैक्टर बराबर काम नहीं कर सकता था, उसकी लाइफ कमज़ोर थी। उसका मेन कारण ये था कि HP कम थी, वो लोड मान के चलता था, इसलिए इंजन जल्दी मांगता था वो। तो भाइयों हमने तजुर्बा किया, 48-50 HP से कम ट्रैक्टर रखना तो मुँह रखता है, जो मेरा अनुभव है भाइयों। अगर आप रोटावेटर भी चला रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, 13 का टायर बहुत बढ़िया है, 14 का रखोगे तो फिर सारे काम नहीं कर पाते खेती का। आप गन्ने की बुआई वगैरह सारे काम कर देता है, 13 14 का भी कर दे, 14 की और भी लाइफ बढ़िया हो जा। लेकिन भाइयों 13 का टायर कर लें, मतलब जो है 45 HP से कम लेना तो अकलबंदी नहीं है बिल्कुल भी मेरी राय में। अब आपने ले भी लिया तो फिर आप परेशान रहोगे, उस पर लोड पड़ता है, जरा 7 फुट रोटावेटर हो गया, हैरा तो खाए लेते हैं, वो टीलर भी खाए लेते हैं, मेन चीज़ें रोटावेटर पलाव वगैरह हैं, मतलब 50 HP बहुत ज़रूरी है। देख मैं नाम लेता हूँ, मैं 41-45 में ये अंतर है, जो काम ये 50-45 कर देता है 50 HP का, वो 41 पे नहीं हो पाता। हमारे गांव में ये है 41 वो चलाते हैं रोटावेटर पे, उसका दम निकल जाता है, जो ज़्यादा लगा देते हैं हेल्पर पैप वो फुल्ली खींच पता। ये भाई ये 50 HP में दोनों लीवर डाल कर खींच लेता है, लोड नहीं मानता 7 फुटे को। तो यही कारण है कि हमने 50 HP का जैसे ये लिया, तो भाई ये लोड फ्री चलता है, थोड़ी स्लो हंटिंग है कोई बात नहीं, लेकिन ये खेत में फिर गोल चलता है, गोल आवाज पे बिल्कुल फ्री चलता है भाई, RPM नहीं तोड़ता बिल्कुल भी, खर्चा ज़्यादा नहीं है ये, तो तेल खाता है कोई भी इंजन हो लोड पड़ने पे। आपने ले लिया 50 पावर का, आप गन्ने डाल रहे हो, ट्रोलिया काम भी कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, इतना फर्क नहीं पड़ता। ये इतना ही नहीं, आपने 50 किलोमीटर जाना सड़क पर, 1-2 लीटर फालतू खा लिया बड़े ने, 200 रुपये के 200 रुपये को पूरा गरीब तो होने के नहीं, 200 रुपये के तो आदमी कहीं भी खर्च कर दे, अगर अपनी मशीनरी है तो। लेकिन वो लोड भी तो ऐसे कहता है, ये सड़कों पर ट्रोले खींच रहे गन्नों के 250-300-400 कुंटल भर के, वो 50-60 HP का ट्रैक्टर खींच पाता है भाइयों, 25-30 HP का तो रह जाएगा उसमें, बहुत जोर पड़ता है। तो मेरी राय ये है, जो नए किसान हैं उनके लिए तजुर्बा बता रहा हूँ मैं। ये तो भाई आदमी 35 HP का भी ले रहे हैं किसान भाई, लेकिन वे ले रहे हैं जिनके पास में एक बड़ा ट्रैक्टर भी है। अगर कोई किसान सादे मैसे को चला रहा है या DI 1035 को चला रहा है, महिंद्रा 200 मैसेज को चला रहा है, उसमें सारे काम है जरा हैरो टीलर तो वे खींच लेंगे, रोटावेटर खींच लिया, आपने 6 फुटा रखा नहीं, आपके पास 7 फुटा चला रहे हो तो 7 फुटा उनको दमों को बन जाओ, खींचते वे ले, लेकिन वो बात नहीं है, फिर आदमी का मन माता है लाल थोड़ा बहुत किराया भी कर लें। तो भाइयों खुल के चलता है 50 HP का, मेरे सच्चाई तो ये है, मेरा इशारा इतना ही काफ़ी है। अगर आप 50 HP लोगे, आपका काम 35 HP का कर रहा है, 15 HP फ्री चल रही है, तो वो समझो आपकी उम्र बढ़ रही है ट्रैक्टर की। भाइयों मुझे तो इतना ही ज्ञान है, जितना मैं बता है उतना ही आपको बता रहा हूँ, बाकी आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, अपने हिसाब से करें। जब हमारे पास में एक सिलेंडर ट्रैक्टर था, हम सोचे थे पूरी दुनिया ही है, बड़े ट्रैक्टर वाले तो बावड़े हैं, अब पता लगा बड़े ट्रैक्टर में लाभ है।
हमारे यहाँ कृष्ण पाल सैनिक है, एक स्वराज 855, सोनालिका 60 है, अर्जुन 605 है, एक फार्म ट्रैक पे 30 भी है। वो 30 तो ट्रेलर का लेजर का ही काम करता है, खूट पाड़ने का, बड़े काम नहीं करता यार, डीजल ले आता है बुग्गी उग्गी रहे, वो छोटे काम। बड़े काम तो वो अर्जुन और स्वराज ही करते हैं उनके। और किसान खुश है, वो तेल खर्चे से डरता नहीं, कहा भाई जब तेल खा रहे काम भी तो कर रहे। तो भाइयों तेल खाता काम भी तो करता है वो। हमारा ये 50 HP है भाई, ये पीछे को लखाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, यही 41 होता है, 10 बजे होता है तो हम बार बार हाइड्रोलिक उभारते। देखो स्लिप मार गया लेकिन लोड नहीं पड़ा, RPM नहीं तोड़ रहा, कही जगह पत्ते का गलू मसा लग जा। अब देखो लिकड़ी का फड़ाक दे पत्ती काटता गया, लोड नहीं मानता है। हमने से बल्चर भी चला के देखा लेकिन लोड नहीं मानता, क्योंकि 50 HP इसकी, ये जब 52-45 आया था 54 पावर का, उसका इंजन है मेरे 50 बता मेरा है। हम खुश हैं इससे, जो काम ये कर देगा वो 41 मिनट, तो जो 41 कर देगा वो 10-35 नहीं करता, जो 10-35 कर देगा वो और छोटे पे नहीं होता, सच्चाई है। तो हम इससे खुश नहीं हैं, इससे हम 10-35 का काम भी कर लें और 50 का भी काम कर लें, इससे हल्का काम भी कर लें बड़ा भी कर लें। तो भाइयों जो है मेरी राय तो यही है, जब भी आप ट्रैक्टर लें सोच समझ के, बड़ा लें छोटा ना लें, वरना छोटे में भी नुकसान रहता है, हर मशीन नहीं रखी जाती। छोटा तो हमने 4x4 लिया छोटे काम के लिए, सिर्फ की जुताई के लिए, उससे हम रोटावेटर खिंचवा लगे बड़ा, वो खींच लेगा 3-4 फुटा, घड़ा बड़ा खिंचवाओगे तो उसके दबो को बढ़ जाएगी। भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, नमस्कार।